राजस्थान शहर में एक शहर का चढ़ेगा राजा उमर का घेरा। तो राजा उमर के दो संतान थी जिसका नाम जेवर और नेवर था, और इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था छविंदे। तो आइए तो राजा जेवर की शादी कर दी जाती है रानी बादशाह के साथ। तो जब शादी को काफी समय बीत गया, दोनों को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, तो मैया बादशाह बाबा गुरु गोविंद नाथ की सेवा करती है, और सेवा करते करते काफी समय बीत गया। तो जब उधर राजा जयपुर जब भी महल से बाहर जाया करते थे, तो आप पड़ोसी जो भी कोई थे, जो भी कोई चेहरा देख लेता था, वो देख करके बोलते, अरे पता नहीं किस निर्वन से बांध का मुंह देख दिया, पता नहीं शाम तक हमें खाना अन्न कोई प्राप्त होगा नहीं। जब पंडित महाराज आते हैं तो पंडित को सब अपना पुत्र घुमाते बोला कि सच्चे दरबार है। अरे राजा सुने मंत्री के बोल सुरत चलने के कि हमारे और हमारे रानी के भाग्य में कोई संतान है पंडित बाबा, अब इस बच्चे पर ध्यान दो, उस बच्चे पर ध्यान दो, अब उस पर ध्यान दे दो, उधर जाना तो उधर ध्यान दो, उधर। जब पंडित पत्र खोलता है और देखता कि इनके तो एक नहीं पूरे सात जनों का पति तो उधर पंडित राजा से बताने लगता है, राजा महाराज आपके तो एक नहीं पूरे सात जन्मों तक आपके भाई को संतान नहीं है। इतने सुनते राजा कहने लगे, अरे पंडित ऐसा हमारे गुरु से जन्म का पाप के जो हमारे एक नहीं पूरे सात जन्मों तक हमारे संतान नहीं है। कहने लगे, अरे महाराज ये तो मेरे को नहीं पता कि आपने कौन से पाप करे हैं और जो आपके संतान नहीं है। उधर राजा कह रहे कि एक काम करे कि हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारे महलों में उधर पंडित कह रहे महाराज आप एक काम करिए, नौलखा बाग खुदवाइए और बाग में हरे हरे पेड़ लगवाइए और उधर तालाब खुदवाइए कि नादाने पेड़ की छाया में बैठ के इंसान या मनुष्य पशु पक्षी जानवर आपको दुआ दे, आपके जो भी आप करके आपको दे ना जाने आपकी जो सात जन्म होगी वो ये है ये रेखा मिट जाए और आप आपके भाग्य को संतान दो। दरबार है तो कहते हैं महाराज मैया बाचल बाप गोरखनाथ की पूरे 12 साल सेवा करते हैं, जब सेवा करते हैं मंदिर में पहुंच जाते हैं और बाबा गोरखनाथ के सामने बड़ा होते हैं कैसे बुलाते हैं सच्चे दरबार है। बोले सच्चे दरबार की जय। अरे कह बात चल रानी अरे कह बात चल रानी अरे बह आँखों से पानी हर मैंने उठे उठे खाए पछाड़ अरे बेटा बेटी माय बाप